तो भाई हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा रामेश्वरम जी का मंदिर है और ये है मदुरई का रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा लिखा हुआ। तो भैया यहाँ पर आपको बाहर निकलते काफी सारे ऑटो मिल जाएंगे आप देखना। अरे वाह, हिंदी सॉन्ग भी चलते हैं यहाँ पे। अरे वाह, ये MGR बस स्टैंड। ठीक है, यहाँ पर यार यकीन माना लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम है कि वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कोई यानी कि मेल नहीं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप फंस गए भाई बुरी तरह। तो भाई ये बस जाएगी रामेश्वरम। ठीक है, और रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं। तो भाई चाय का जो मूल्य है वो 15 रुपये और 15 रुपये पैसा वसूल है। यार मैंने नहीं ये ठंड के कपड़े दिल्ली से पहन के आया हूँ तो यहाँ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कश्मीर से आया है, कहाँ से आया है। रामेश्वर मंदिर और हमने जो होटल लिया है वो इस लाइन में लिया है आगे जाके। ठीक, तो भाई हम यहाँ समुन्द्र पे आ चुके, ये अग्नि तीर्थ स्थान है। ठीक है, समुन्द्र है यहाँ पे, सबसे पहले स्नान करते हैं उसके बाद। तो भाई समुन्द्र में स्नान करने के बाद अब चलते हैं कुओं की तरफ, यहाँ हमने 22 कुओं का स्नान करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया 22 कुओं का स्नान होता है, ये देखो हमारे पिताजी और मम्मी दोनों 22 कुओं का स्नान करते हैं। ठीक, तो भाई अभी हमने ना यानी कि रुद्राभिषेक पूजा करवाई और अब ये ना जल चढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अंदर ये सामग्री है पूजा। तो भाई हमारी जो पूजा है संपूर्ण हुई और हमारे दर्शन भी हुए और दर्शन भी। भाई हमने अभी ये ऑटो हायर किया है और ये मंदिर के बिल्कुल बाहर है। ठीक है, ये हमें लोकल जो यहाँ पे है स्थान वो उनको घुमाएगा। अच्छा, नीचे एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी ने अंगूठी दी भगवान श्री राम को की निशानी के तौर पे, मैं माता सीता से मिल के आया हूँ, है ना। और यहाँ से श्रीलंका भी दिखता है ऐसा बताया जाता है। ठीक है, बताया जाता है पंचमुखी जो हनुमान जी है ना वो यानी कि जब रावण का वध किया था उस समय ये रूप। तो भाई ये वो पत्थर है जो कि जो भगवान श्री राम के यानी कि जहाँ जब पुल बनाया था ये पत्थर, इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। तो भाई हम आए हैं डिनर करने और भैया जहाँ हम डिनर करने आए हैं ये मंदिर के परिसर के अंदर ये भोजन का प्रबंध है और ये फ्री के अंदर है। इसको सबसे अच्छी बात क्या है कि केले के पत्ते में भोजन कराते हैं, बिल्कुल शुद्ध होता है केले के पत्ते के अंदर भोजन। तो भाई भोजन में जैसे मैंने आपको दिखाया चावल और सांभर है, पर सबसे बड़ी बात यह है ये हाथ से खाना पड़ रहा है और मुझे ना हाथ से खाने की आदत है नहीं, पर अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। कितना सुंदर दृश्य है, दो समुद्रों के बीच में हम खड़े हुए और यहाँ से धनुषकोडी कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो भाई हम जहाँ खड़े हैं ये राम सेतु शुरुआत होती है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया यहाँ से जो रामेश्वरम का जो है जो भगवान श्री राम ने जो बनाया था वो कहाँ पर है वो सामने। तो भाई मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ भगवान श्री राम ने राज तिलक किया था विभीषण का। तो भैया इस जगह का नाम क्या है? ठीक है, लोग इसको विभीषण मंदिर के नाम से भी जानते हैं पर यहाँ पे पूजा भगवान श्री राम की होती है। सभी को हर हर महादेव, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण वशिष्ठ में। तो भाई आज हम यात्रा करने वाले हैं दिल्ली से रामेश्वरम की। तो भैया इस वीडियो पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भैया दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। तो हमारी जो ट्रेन है निजामुद्दीन से लेके मदुरई तक की है, मदुरई के बाद हम सफर बस में करेंगे। तो भैया अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं खड़ा हूँ भैया निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन ये है संपर्क क्रांति, तो ये जाएगी मदुरई तक। ठीक है, और ये हमारा डब्बा है B4। तो चलते हैं अंदर और बैठते हैं, सीट लेते हैं और यात्रा का शुभारंभ करते हैं। अभी फिलहाल सुबह के 4:50 हो चुके हैं, हमारी ट्रेन जो है वो 5:20 की है। तो मैं खड़ा हूँ निजामुद्दीन स्टेशन पे, तो चलते हैं अंदर की तरफ। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं। ठीक है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग संपूर्ण जानकारी रहने वाली है अपनी इस वीडियो पे। तो भैया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलो चलते हैं अपनी सीट पे। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है और चल रही है रामेश्वरम की तरफ, यानी रामेश्वरम नहीं हम जाएंगे मदुरई, मदुरई से फिर बस पकड़ेंगे, बस से फिर हमारे आगे का सफर शुरू होगा। तो हमारी ट्रेन शुरू होगी और मेरे साथ है मेरे मम्मी पापा, मैं मिलवाता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा। ठीक है, ये मम्मी और ये पापा। तो दोस्तों ट्रेन के अंदर ये सफर लगभग 45 घंटे का रहने वाला है। 45 घंटे बाद हम उतरेंगे, यानी कि दिल्ली से हमने शुरू किया था और मदुरई का जो सफर है यानी कि 42 घंटे का, फिर भी अभी भी जो ट्रेन है वो लगभग 1.5-2 घंटा लेट है। तो यानी कि अंदाजा बता रहा हूँ कि 45 घंटे लगभग ये लग जाएंगे मदुरई तक जाने। तो भाई हम पहुँच चुके हैं मदुरई, ये नीचे उतरे और ये है मदुरई का रेलवे स्टेशन। ठीक है, और रात को पहुँचे हम और रात को लगभग
दो बज रहे हैं, 1:30 और 2 के बीच में समय है, और हाँ 1:37। तो भैया मुझे लगभग 45 या 46 घंटे लग गए, लगभग 2 दिन मानो, और हम पहुँच चुके मदुरई रेलवे स्टेशन, और हम निकलेंगे यहाँ बाहर। और तो भाई लगभग रात को 2 बज रहे हैं और हम अब चल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, जो कि जहाँ से हमें बस मिलेगी रामेश्वरम के लिए। और रात को भी यार ये रेलवे स्टेशन पर यार हलचल है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और विशेष तौर पर साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये रेलवे स्टेशन है। तो हमें जाना बाहर, जहाँ हमें ऑटो लेना पड़ेगा, और ऑटो लेके फिर चलेंगे जहाँ हमें बस मिलेगी रामेश्वरम की। तो भाई इस रेलवे स्टेशन का माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे यार कोई लिफ्ट नहीं है, और खुद ही सामान उठा के ये चलना पड़ेगा, तो यानी सामान खुद उठा के चलना पड़ेगा आपको। और मेरे पास लगभग 2 बैग हैं, एक तो ये अटैची हैवी और एक मेरे पीछे जो टांग रखा है, ठीक है। और ये जो जीने चढ़ते हैं ना, तो भाई जान निकल जाती है यार, काफ़ी लंबे जीने हैं भाई यहाँ के रेलवे स्टेशन के। तो चलें ऊपर की तरफ, और इसमें भी काफ़ी वेट है भाई, स्टेशन में काफ़ी वेट है भाई। तो भाई यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। यार लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है, देखो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, गेट नंबर 1 प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, एग्जिट का रास्ता यहाँ से है। यार ये थोड़ा सही लगा मुझे, यानी कि हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो चलते हैं बाहर। तो भाई ये है भैया रेलवे स्टेशन, और ये है बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। तो एग्जिट यहाँ से हो रहे हैं, और एक भैया मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या बात है। तो भैया यहाँ पर आपको बाहर निकलते काफ़ी सारे ऑटो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे ऑटो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं रात को यहाँ पे उतरा हूँ करीबन 2 बजे करीब, तो यहाँ मुझे ऑटो करना पड़ रहा है। अगर आप वैसे आते हैं तो यहाँ आप सीधा बस भी जाते हैं MGR बस स्टैंड पे, वहाँ से आपको रामेश्वरम की बस डायरेक्ट मिलती है, पर यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ेगा MGR बस स्टैंड, वहीं आपको रामेश्वरम की बस मिलेगी। और मैंने अभी ये ऑटो किया, ऑटो वाले भैया हमारे ये, ठीक है। क्या नाम है अन्ना आपका? हाँ मेरा नाम है महबूब बादशाह। महबूब शाह, अच्छा क्या चार्ज लेंगे बस स्टैंड का? 250 रुपये। रात का थोड़ा चार्ज ज्यादा हो गया ना? नहीं कब भी जाने का है। अच्छा, दिन में भी वही पैसा लगता है। अच्छा यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है बस स्टैंड? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर बताते हैं। और क्या नाम है बस स्टैंड का? MGR बस स्टैंड। MGR ना, MGR बस स्टैंड है, तो वहाँ से ही हमें मिलेगी। तो चलो चलते हैं ऑटो के अंदर, देख सकते हैं कितने सारे ऑटो हैं बाहर, ठीक है। ये रात की सर्विस है इनकी, ठीक है। तो चलते हैं अपना, अरे वाह हिंदी सॉन्ग भी चलते हैं यहाँ पे, अरे वाह यहाँ भैया हिंदी सॉन्ग भी चलते हैं, देखो। तो भाई हम हैं मदुरई के अंदर, और यहाँ रात का दृश्य है आप देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर ये शहर है, ठीक है। और भैया गाना गुना चला रहे हैं, ठीक है, हिंदी गाना है, ये देख के अच्छा लगा। और ये शहर काफ़ी सुंदर है आप देख सकते हैं, और काफ़ी साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है, ठीक है। मुझे तो काफ़ी सुंदर ये लग रहा है शहर, ठीक है। ये देखो, अरे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं यार, ये देखो। अच्छा अंकल जी, यहाँ पे सबसे घूमने वाली जगह कौन कौन सी है मदुरई के अंदर? मदुरई में बहुत बड़ा मंदिर है मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी देवी मंदिर है। और कार्तिक टेम्पल। कौन सा टेम्पल? कार्तिक टेम्पल, जो भगवान शिव के पुत्र थे। अच्छा अच्छा, वो यहीं है मदुरई में ही है। अच्छा विष्णु, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा मंदिर है। अच्छा यानी 3-4 मंदिर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और यहाँ रजनीकांत भी बहुत फेमस है। रजनीकांत है फेमस? रजनीकांत तो है ही भाई फेमस, ठीक है। कहाँ रहते हैं रजनीकांत? या मदुरई में रहते हैं या चेन्नई में? रजनीकांत सर? रजनीकांत चेन्नई में। तो चलो भाई, यहाँ रजनीकांत का बहुत बड़ा यानी कि एक फैन क्लब है, ठीक है। तो भाई हम पहुंच चुके ये MGR बस स्टैंड, ठीक है। ये MGR का बस स्टैंड है, ठीक है। और रात का समय करीबन यानी कि 2:30 के बीच का समय होगा, ठीक है। और भैया बता रहे हैं रात को भी यहाँ पर बसें मिल जाती हैं, ठीक है। तो लेते हैं अपना बैग और पे करते हैं भैया को। थैंक यू भैया यहाँ के लिए। अच्छा कहाँ जाना पड़ेगा हमें? अंदर जाओ। अच्छा अंदर,
सामने अच्छा कोई नंबर नंबर हो ट्रेन उसका अंग्रेजी में लिखा रहेगा तमिल में लिखा रहेगा अच्छा हिंदी में नहीं तो अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखा होगा तमिल में लिखा होगा हिंदी में नहीं तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ देखते हैं। तो भाई ये तो जो ऑटो वाले भैया ना ये सही मिल गए भाई नहीं तो यहाँ पर यार यकीन माना लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम है कि वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कोई यानी कि मेल नहीं ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप फंस गए भाई बुरी तरह ठीक है। ये तो हमारे यानी कि गुड लक था कि ये भैया मिल गए जिनको थोड़ा बहुत हिंदी आता था। तो भाई ये देखो रात को भाई यहाँ पे रात को स्टे कर रहे हैं ठीक है बस स्टैंड पे ठीक है। भैया रामेश्वरम के लिए कहाँ से जाना मिलेगा बस प्लेटफॉर्म नंबर 5 बता रहे हैं जहाँ रामेश्वरम का बस मिलेगा ठीक है। चलते हैं इधर ये देखो यार रात को भी यार यहाँ बंदे वेट कर रहे हैं अपनी बस का ठीक है। तो प्लेट नंबर 5 बता रहे हैं 5 ये देखो 1 2 3 5 है इस तरफ ठीक है। इधर चलते हैं ये 6 और 5 यहाँ मिलेगी यहाँ पता करते हैं। भैया रामेश्वरम के लिए कहाँ से मिलेगा बस रामेश्वरम के लिए इधर से ही। तो भाई ये बस जाएगी रामेश्वरम ठीक है और रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं और रात को आपको 2:30 बजे भी यहाँ पर बसें मिल जाती हैं ठीक है रामेश्वरम जाने के लिए। ये देखें तो ये एसी वाली है। भैया रामेश्वरम का क्या चार्ज लेंगे रामेश्वरम का 190 195 और 190 और मान लो अगर ये एसी नहीं होता ये एसी है ना अगर विदाउट एसी 150 ठीक है। अगर एसी में आप जाते हैं तो आपको 190 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे अगर वैसे जाते हो नॉन एसी तो आपको 150 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। तो भाई चलते हैं इस तरफ। भैया लगेज कहाँ रखने अंदर ही। तो भाई यानी कि बस में अभी हम ही हैं ठीक है हम 4-5 सवारी हैं तो बस वाले कह रहे हैं भाई 2-4 सवारी और आ जाए फिर चलते हैं ठीक है। तो इनका टाइम है यानी कि अभी 2:10 लगभग हो रहे हैं 2:15 तो ये 2:40 पे चलेंगे और हर घंटे आपको रात को यहाँ सर्विस मिलेगी बस की जो कि रामेश्वरम जाती है ठीक है। और अभी बस बिल्कुल खाली है जैसे आप देख सकते हैं ठीक है थोड़ा सा यानी कि सवारी आ जाए वैसे इनका टाइमिंग है 2:40 का तो 2:40 पे चलेंगे। तो भाई बस को चलने में भी टाइम है तो हम पियेंगे यहाँ पर चाय ठीक है। ये मधुरै का बस स्टैंड है ठीक है और यहाँ हम लेंगे चाय और चाय पी के बस में बैठेंगे क्योंकि अभी टाइम है करीबन आधी घंटे को है टाइम बस चलने में तो चाय पी के ही चलेगी। तो ये देखो अंकल जी चाय बना रहे हैं ठीक है हमारे लिए देखो किस तरह चाय बनाई जाती है यहाँ पर। अरे वाह ठीक है अब इसमें दूध डाला जाएगा ये देखो 2 कप चाय ठीक है। तो चाय हमारी तैयार है और चुस्के मारते हैं। कितने ही बाबा चाय कितनी गई 15 रुपये की एक चाय तो 15 रुपये की एक चाय है 2 चाय तैयार है लेते हैं चुस्की चाय की। तो भाई चाय का जो मूल्य है वो 15 रुपये और 15 रुपये पैसा वसूल है ठीक है। ऐसा नहीं कि चाय में मज़ा नहीं आया चाय ठीक है हमारे पिताजी भी चाय की चुस्की ले रहे हैं ठीक है तो 15 रुपये वसूल है ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई जहाँ मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ यहाँ पर किसी ने भी ठंड के कपड़े नहीं डाले यानी कि ठंड का कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कपड़े डाले हो केवल मुझे छोड़ के। तो यार मैंने ना ये ठंड के कपड़े दिल्ली से पहन के आया हूँ तो यहाँ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कश्मीर से आया है कहाँ से आया है ठीक है। यहाँ किसी ने भी यानी कि विंटर वाला कोई कुछ नहीं डाला हो जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं डाली यार पर मैंने हैवी जो है ना ये स्वेट शर्ट पहनी हुई है ये ठंड की आइटम है और यहाँ पर लोग बड़े घूर घूर के देख रहे हैं मुझे। चलो ठीक है भाई देखते रहो। तो भाई बस चल चुकी है ठीक है और टीटी साहब आए हुए 3 टिकट रामेश्वरम 3 टिकट है 3 टिकट तो भैया 3 टिकट रहे ये रामेश्वरम जी की। तो भाई रामेश्वरम पहुंच चुकी है बस ठीक है अब उतरेंगे हम ठीक है और अपना बैग वैग उतारते हैं यहाँ से ठीक है और 1 घंटे की नींद भी ले ली हमने तो चलते हैं नीचे। भैया कहाँ है रामेश्वरम का बस स्टैंड है चलो रामेश्वरम बस स्टैंड पर भैया ने रोकी है और हमारी शुरुआत जहाँ 2:40 चली थी और अब समय हो रहा है लगभग 5:45 5:45 तो भैया लगभग जल्दी पहुँचा दिया आपने है ना जल्दी पहुँचा दिया थैंक यू ठीक है। तो भैया बस से उतरने के बाद हमें भैया मिले टेम्पो वाले जो कि ये जहाँ टेम्पो खड़े होते हैं यहीं बस आपको उतारती है ठीक है और उससे आगे सफ़र यानी 2 से 3 किलोमीटर का बताते हैं जो कि 100 रुपये भैया ने लिए और हमें छोड़ेंगे टेम्पल के बिल्कुल पास ठीक है।
तो चलते टेंपल पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम, आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा रामेश्वरम जी का मंदिर है, ठीक है। और इस ऑटो में आए और बिल्कुल ऑटो ने यानी मंदिर के बिल्कुल बाहर उतारा है, देखो सामने बिल्कुल रामेश्वरम, करें दर्शन। तो चलो अब नहाएंगे धोएंगे और फिर दर्शन करने अंदर चलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई ये रहा रामेश्वरम मंदिर और हमने जो होटल लिया है वो इस लाइन में लिया है आगे जाके, ठीक है। और यहाँ पर ना होटल की जो रेंज है वो 600-700 रुपये शुरुआत हो जाती है, और एसी वाला अगर लेते हो तो वो आपको 1300-1500 पड़ेगा। हमने ये होटल लिया है, ठीक है, मंदिर ये रहा, होटल ये रहा। और जो हमने जो होटल लिया है वो कि 1500 में लिया है, 3 बेड है और उसके अंदर आपको एसी मिलेगा, ठीक है, एसी वाला रूम लिया है। और ये होटल है, ठीक है। तो यानी होटल भी आपको 600 रुपये शुरुआत है, 600 से लेकर 2000 रुपये तक के आपको बढ़िया होटल यहाँ पर मिल जाते हैं, इसलिए सारे लगभग होटल ही हैं, ठीक है। तो भाई हम यहाँ समुंदर पे आ चुके, ये अग्नि तीर्थ स्थान है, ठीक है, समुंदर है, यहाँ पे सबसे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद 22 कुओं में जाके स्नान करते हैं। बताते हैं कि माता सीता जब वापस आई थी तो यहाँ पर उन्होंने पाँव लगाया था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये समुंदर में स्नान कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ स्नान होता है समुंदर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्नान करने वाला, आप 22 कुओं में स्नान करोगे फिर मंदिर में दर्शन किया जाता है। देखो बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, ठीक है, और सुबह सुबह का टाइम है। ये देखो जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक समुंदर ही समुंदर है। तो भाई हमारे माता जी पिताजी स्नान कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो समुंदर में स्नान, ठीक है। अरे वाह भाई वाह, तो ये हमारे पिताजी, बहुत से लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बस बस बस, बस। लो जी हो गया स्नान, ठीक है, आ जाओ हो गया स्नान अब। तो भाई हम भी चल दिए स्नान करने, ठीक है, स्नान करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है, पहले स्नान कर लें। भाई समुंदर में स्नान करने के बाद अब चलते हैं कुओं की तरफ, यहाँ हमने 22 कुओं का स्नान करता है, तो चलिए। तो भाई हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है, यानी कि समुद्र स्नान किया है, ठीक है, और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये है सामने मंदिर, ठीक है, और हमें जाना है यहाँ से अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर जाएंगे तो जो कुएं हैं, जो 22 कुएं हैं जहाँ स्नान करना होता है वो मिलेंगे, फिर कुओं में स्नान करने के बाद फिर चलेंगे आगे की तरफ। तो भैया ये देखो काफ़ी सुंदर यहाँ का माहौल है, ठीक है, तो चलते हैं अंदर की तरफ। आपको 22 को में स्नान करना है तो आपको टिकट यहाँ से कटवानी पड़ेगी, 25 रुपये एक व्यक्ति की टिकट है, और ये सारे व्यक्ति यानी 22 को में स्नान करने के लिए टिकट कटवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। हर व्यक्ति 25 रुपये टिकट लेगी जिसमें आपको 22 को की यानी कि स्नान कराया जाएगा, और ये कॉरिडोर इस तरफ आपको जाना पड़ेगा, ये सारे लोग 22 को में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखें। और काफ़ी सुंदर ये कॉरिडोर है, ठीक है, और यहाँ व्यक्ति आ रहे हैं लाइन में, देखो टिकट कटाने के लिए मात्र 25-25 रुपये टिकट है, जहाँ 22 कुओं में आपको स्नान करने को मिलेगा। तो भाई जैसे कि मैंने बताया 22 कुओं का स्नान होता है, ये देखो हमारे पिताजी और मम्मी दोनों 22 कुओं का स्नान करते हैं, ठीक है, ये देखो इस तरह स्नान किया जाता है 22 कुओं का, ठीक है, मैं भी कर लूँ। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह का यानी काम कर रखा है, ठीक है, बहुत ही सुंदर ये कॉरिडोर है, ठीक है। और बताया जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, मंदिरों के अंदर ही सबसे बड़ा यानी कॉरिडोर यही है। यार बड़ी भूल भले ही है, आप इधर से जाओगे ऐसे जाओगे वहां मिलोगे, मुझे तो समझ आया नहीं कि रास्ता कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, घूम फिर के दोबारा मैं उसी जगह पर आ जाता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं। तो ये कॉरिडोर बहुत बड़ा कॉरिडोर है, ठीक है। तो भाई जो मैं आपको शिवलिंग दिखा रहा हूँ ये 108 शिवलिंग है, ये देखो, ठीक है, 108 शिवलिंग है, ठीक है, ये मंदिर के अंदर है, और ये ना 108 शिवलिंग एक साथ हैं, ये देखो, ठीक है, 108 शिवलिंग, काफ़ी बढ़िया। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि भाई शिवलिंग कैसे बनाया था रामेश्वरम, ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है कि हनुमान जी भी शिवलिंग लेके आए थे,
ठीक है, पर वो लेट हो गए थे तो माता सीता ने स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग बनाई। बहुत सारी यहाँ पे तस्वीर लगा रखी हैं, रावण से युद्ध भी दिखाया गया, ये देखो, ठीक है। तो बहुत से सुंदर सुंदर चित्र लगा रखे हैं, ठीक है, कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, माता सीता वाली भी शिवलिंग इसमें दर्शाई गई है, देखो, माता सीता ने जो शिवलिंग बनाई थी वो भी यहाँ पर बताई गई है, देखो, माता सीता ने स्वयं अपने हाथ से यहाँ पे शिवलिंग बनाई थी। और हनुमान जी भी, यानी कि दो शिवलिंग लेके आए थे, लेट हो गए थे वो, ठीक है। उसके बाद ये शिवलिंग यहाँ पर बनाई, देखो ये माता सीता की शिवलिंग, ठीक है, जब पूजा हुई ये स्थापना की गई। और ये हनुमान जी की शिवलिंग है, हनुमान जी जो लेके आए थे दो शिवलिंग, ठीक है, ये देखो, ये दो शिवलिंग हनुमान जी लेके आए थे जो लेट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद माता सीता ने ये स्थापना की थी, यानी कि रेत की जो है शिवलिंग बना के स्थापना की थी। तो ये बहुत सुंदर सुंदर चित्र आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ये बहुत ही सुंदर ये कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं किस तरह काम हो रखा है, चारों तरफ इतनी सुंदरता, भव्य सुंदरता। तो भाई अभी हमने ना, यानी कि रुद्राभिषेक पूजा करवाई, और अब ये ना जल चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अंदर ये सामग्री है पूजा का, इसमें गंगा जल है और इसमें पंचमृत है, ठीक है। अभी पूजा करवा के हम आए हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, ठीक है। तो दर्शन के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें चलते हैं अंदर। तो भाई हमारी जो पूजा है संपूर्ण हुई और हमारे दर्शन भी हुए, और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हुए, और हमने पूजा भी की थी साथ में, ठीक है। रुद्राभिषेक की पूजा रखवाई थी तो वो भी किया, और हमारा जो जल था वो पंडित जी ने चढ़ाया, ठीक है। तो भाई हमें लग गई भूख, हमने अभी दर्शन किए और दर्शन करने के बाद भाई हमें लगे भूख, हम जा रहे हैं इस होटल में, राजस्थान के नाम से है, ठीक है, महावीर राजस्थान, देखते हैं इनके पास क्या क्या है, ठीक है। काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है, और भाई खाना रात से ही नहीं खाया, तो अब करेंगे भोजन और उसके बाद फिर चलेंगे और कई जगह घूमने, रामेश्वर बहुत सी जगह घूमने लायक, तो चलते हैं भोजन करने पर। तो भाई हमने अभी ये ऑटो हायर किया है और ये मंदिर के बिल्कुल बाहर है, ठीक है। ये हमें लोकल जो यहाँ पे है स्थान वो उनको घुमाएगा। भाई कहाँ कहाँ लेके चलोगे थोड़ा बताएंगे? तो भाई जितने भी लोकल स्थान है भाई अगर थोड़ा बताएंगे थोड़ा कहाँ कहाँ जाओगे? रामकुंड है, फ्लोटिंग स्टोन, जय हनुमान पूरा चलेगा। तो भाई ये जितने भी है स्थान ये यहाँ लेके जाएंगे भाई, ठीक है। तो भाई हम जा रहे हैं। अभी कितने में किया आपने डन? कितने में किया है? कितने कितना लोगे? 500 रुपया। तो चलो भाई, भाई के साथ चलते हैं, 500 में इतनी सारी जगह घुमाने वाला है, ठीक है। तो चलो चलते हैं इनके साथ। तो भाई हम आए हैं राम झरूका मंदिर, ठीक है, उसका पार्किंग है, ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये मंदिर है, हमें यहाँ जाना है। और भैया से थोड़ा हिस्ट्री पूछते हैं, भैया इसका हिस्ट्री क्या रहेगा ये राम झरूका? यहाँ पे राम भगवान ने इसी को ऊपर चल के लंका देखा था। राम भगवान ने लंका देखने के जाने के पहले इसको ऊपर चल के कहाँ से जाना, कहाँ से सेतु बनाना, तो आइडिया बनाया था। अच्छा, भैया बता रहे हैं भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले इसी मंदिर में आए थे और लंका देखी थी, ठीक है। और यानी कि आगे की रणनीति बनाई थी कि हमने सेतु कहाँ बनाना है, कहाँ से जाना है, यही बात है ना? बराबर। अच्छा, और बजरंगबली भी यहाँ ही आए थे जब लंका टापा था, है? उसी का मंदिर रहता है। अच्छा, हनुमान मंदिर भी नीचे है ना? आके राम भगवान से अंगूठी दिया था मैंने लंका में सीता को देखा करके। अच्छा, नीचे एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी ने अंगूठी दी भगवान श्री राम को की निशानी के तौर पे मैं माता सीता से मिल के आया हूँ, है ना? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, ठीक है। हर हर महादेव, चलते हैं राम झरूका, है ना? तो भाई जैसे कि भैया ने बताया, ठीक है, कि भगवान श्री राम ने यहाँ से लंका देखी थी जाने से पहले, और हनुमान जी ने भी यहाँ से लंका देखी थी वहाँ जाने पे, ठीक है, जाने से पहले। तो ये मार्केट है, ठीक है, इस मंदिर की, और अंदर चलेंगे मंदिर में, बिल्कुल ऊपर वो मंदिर भी दिख रहा होगा, ठीक है, दर्शन करते हैं, चलते हैं। तो भाई इस पे है जीने, यानी कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर जाना हमें, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर की तरफ, और चप्पल जूते नीचे ही उतारने पड़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चप्पल जूते उतारते हैं और ऊपर चलते हैं। तो भाई ये वो मंदिर है राम जी रुका, ठीक है, यहाँ भगवान श्री राम रुके थे जैसे कि बताया जाता है, ठीक है, और हनुमान जी भी यहाँ पर आए थे लंका में जाने से पहले। तो ऊपर चलते हैं जहाँ से लंका दिखती है, ठीक है, ये रास्ता जो ऊपर जाता है जहाँ से लंका दिखती है भाई, ठीक है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम यहीं आए थे लंका देखने, और उसके बाद आगे उन्होंने आगे की रणनीति बनाई थी, ये देखो काफ़ी सुंदर है भाई, यहाँ से भाई दूर दूर तक आपको यानी कि बिल्कुल जंगल दिखेगा, ठीक है, और यहाँ से श्रीलंका भी दिखता है ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं और दूसरे मंदिर की तरफ। तो भाई हम एक मंदिर में और आगे, ये भी रामा टेम्पल है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक राम जी का कुंड है उस तरफ, ठीक है, जहाँ भगवान श्री राम नहाए थे, ठीक है, और यहाँ राम का मंदिर है भगवान श्री राम का। तो चलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है,
और भगवान श्री राम के करते हैं दर्शन। तो भाई हम दोपहर के टाइम आए तो इसमें मंदिर बंद है, ठीक है, लगभग 2 बज रहे हैं और इसमें मंदिर बंद है। भगवान श्री राम का मंदिर है, आपको सामने शायद मूर्ति भी दिख रही होगी, बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान श्री राम की, ठीक है। और इधर चलते हैं, यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे नाग बना रखे हैं, शायद नाग देवता का होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ पता करते हैं ये क्या है, या थोड़ा बातचीत करेंगे। अच्छा भैया ये क्या क्या मना रखा है बताएंगे, दोष निवारण को स्थापना करना। अच्छा दोष काल सिर्फ दोष का निवारण होता है। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सारे नाग बना रखे हैं और यहाँ बता रहे हैं एक भैया कि यहाँ काल सर्व दोष का निवारण होता है। ये देखें कि बहुत सारे यहाँ पे यानी कि इस तरह नाग देवता बना रखे हैं, ठीक है, यहाँ काल सर्व दोष की पूजा की जाती है ऐसा बताया है। तो भाई ये वो कुंड है जिसे राम कुंड बोला जाता है, ठीक है, और यहाँ बताया जाता है भगवान श्री राम ने स्नान किया था, ठीक है, जब रावण का वध किया उसके बाद यहाँ पर आके भगवान श्री राम ने स्नान भी किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वो कुंड है जिसे राम कुंड भी बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ लोग आते हैं स्नान भी करते हैं, आस्था है लोगों की। तो ये एक जगह ये रही, एक जैसे मैंने आपको राम मंदिर दिखाया था जिसके अंदर काल सर्व दोष की पूजा होती है, बिल्कुल उसके सामने, ठीक है। तो भाई हम एक जगह और आ गए, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी बताए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हैं, तो दर्शन करेंगे पंचमुखी हनुमान जी के भी, ठीक है, और देखते हैं। ये देखो ये है पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, ये पंचमुखी हनुमान जी काफ़ी सुंदर है भैया, इनका रूप है आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर ये मूर्ति है। बताया जाता है पंचमुखी जो हनुमान जी है ना, वो यानी कि जब रावण का वध किया था उस समय ये रूप लिया था, ठीक है, जैसे पांच मुख आपको हनुमान जी दिख रहे होंगे, जब रावण का वध किया था तो उस समय ये पांच मुख जो हनुमान जी ने लिए थे। तो ये कौन कौन से रूप होते हैं पंडित जी पांच मुख? वो गरुण जी है, वो बराह जी है, वो नरसिंह भगवान है, वो हाई ग्रेवर है, हनुमान दादा है। हनुमान यानी पांचों रूप इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है, रावण का वध करने के लिए ये रूप लिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और देखते हैं और हमें इस मंदिर में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ चलते हैं। इस तरफ दो मंदिर साथ में है, श्री राम सेल पत्थर यानी भगवान श्री राम का जो पत्थर है जो वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखो। तो भाई ये वो सारे पत्थर हैं जो कि भगवान श्री राम वाले पत्थर है जो बताते हैं, ठीक है, जो डूबते नहीं पानी के अंदर, ये देखो काफ़ी सारे वो पत्थर हैं यहाँ पे, क्या बात है, दर्शन करते हैं। तो भाई ये वो पत्थर हैं जो कि जो भगवान श्री राम के यानी कि जहाँ जब पुल बनाया था ये पत्थर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस मंदिर के अंदर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पत्थर देख के, जब भगवान श्री राम के जो जब पुल बनाया था भगवान श्री राम ने तो उनके यहाँ पे ये पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। तो भाई यहाँ पर एक नटराज मंदिर भी है, ठीक है, यानी कि भगवान नटराज भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो हमने भी आपको पंचमुखी हनुमान दिखाए थे बिल्कुल ये उसके सामने ये मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं जहाँ पे नटराज की मुद्रा में महादेव है, ठीक है, ये देखो सामने आपको नटराज की मुद्रा में महादेव मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, ये देखें। तो ये नटराज मंदिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये देखो काफ़ी सुंदर ये मूर्ति है नटराज की। तो भाई आज का टाइम तो हो गया पूरा, यानी कि रात होने वाली है और हम दोबारा यानी कि मंदिर के आसपास आ गए जहाँ हमने होटल लिया था, तो आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे और कल धनुषकोटी जाएंगे, ठीक है, और राम सेतु जाएंगे, कल धनुषकोटी और राम सेतु जाएंगे। तो आज तो स्टे करना पड़ेगा क्योंकि अब तो वहाँ पे शाम को 6 बजे बाद वहाँ पे एंट्री नहीं होती, तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा धनुषकोटी के लिए और राम सेतु के लिए। तो भाई हम आए हैं डिनर करने, और भैया जहाँ हम डिनर करने आए हैं ये मंदिर के परिसर के अंदर ये भोजन का प्रबंध है और ये फ्री के अंदर है, इसको अन्नदानम बोला जाता है, अन्नदानम बोलते हैं भैया, अन्नदानम बोलते हैं। और ये जो आप देखते हैं पूरी पंथी बैठी है इधर, ठीक है, आप इसको लंगर ही बोल सकते हैं, ठीक है, अपने जो अपनी तरफ से बोला जाता है वो लंगर ही बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मंदिर की तरफ से ही, और सबसे अच्छी बात क्या है कि केले के पत्ते में भोजन कराते हैं, बिल्कुल शुद्ध होता है केले के पत्ते के अंदर भोजन, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या यहाँ भोजन में आता है डिनर का समय समय, तो डिनर में ये क्या क्या खिलाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ इधर भी और इधर भी, ठीक है। अभी हम आए ही हैं और अभी हमें केवल पत्ता ही परोसा गया है, हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो भाई हमें यहाँ डिनर मिला है चावल और सांभर और चटनी, ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पत्ते मिला यार, ठीक है, ये केले का पत्ता है जिसमें भोजन परोसा गया है, ठीक है, चावल सांभर और चटनी मिला है, ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कुछ आएगा नहीं, यही है बस फाइनल। तो भाई भोजन में जैसे मैंने आपको दिखाया चावल और सांभर है, पर सबसे बड़ी बात यार ये है हाथ से खाना पड़ रहा है, और मुझे ना हाथ से खाने की आदत है नहीं,
पर अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ठीक है तो भैया हाथ में खाने का मज़ा एक अलग ही है। ठीक है तो भाई हम होटल में खाली बैठे थे तो हम यहाँ दोबारा आ गए समुंदर के यहाँ। ठीक है हमारे जो रूम से करीबन 150 मीटर की फासले पे समुंदर है तो यहाँ पर आज शाम बिताएंगे अपने समुंदर के पास में। ठीक है ये देखो क्या नज़ारा यार बहुत ही सुंदर यार। ठीक है ये सुबह जो लहरें ना यहाँ तक यहाँ नहीं थी ये बहुत वहाँ थी अब तो बहुत फास्ट भी हो गई यार। ठीक है और आपको यहाँ पे नाव भी दिख जाएगी मैं आपको दिखाऊँ ये देखो नाव आपको यहाँ नाव भी दिख जाएगी भाई। ठीक है ठीक है और यहाँ देखो यानी कि भजन भी कर रहे हैं ये देखो भजन भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ भजन भी चल रहा है और बहुत से लोग आनंद ले रहे हैं इस तरह का वातावरण का बहुत अच्छा लग रहा है देखने के अंदर बहुत ही बढ़िया रात का समय आप देख सकते हैं। तो भाई सभी को हर हर महादेव सुबह सुबह की। तो भैया हम उठ चुके हैं और भैया मंदिर के सामने खड़े हैं और हम यहाँ से जाने वाले धनुषकोटी और राम सेतु और भैया दो तीन जगह और बता रहे थे भैया। तो हमने भैया ऑटो हायर किया है कितने लिए पापा जी से 800 रुपये लिए तीन जगह के। तो हम तीनों चारों जगह घूमने की कोशिश करेंगे। ठीक है और यहाँ पे यार गर्मी बहुत है। ठीक है यानी फरवरी के महीने के अंदर यहाँ पे बहुत गर्मी होती है दोपहर के अंदर। तो चलते हैं हमारे ऑटो वाले भैया वो हैं और थोड़ी जानकारी भी देंगे। ठीक है उनसे जानकारी भी लेंगे तो चलते हैं भैया राम सेतु की तरफ। ठीक है राम सेतु और धनुषकोटी। तो भैया ये हमारे ऑटो वाले भैया हैं और ये मंदिर के सामने से मैंने बताया भैया कहाँ कहाँ लेके जाओगे आप। तीन पॉइंट भैया तीन पॉइंट कौन कौन से विभीषण का राजाभिषेक मंदिर विभीषण जहाँ उनका राजतिलक किया था भगवान श्री राम ने और नेक्स्ट धनुषकोटी खत्म होने का जगह धनुषकोटी जहाँ पे खत्म हो जाता है ये ऊपर। अच्छा ये धनुषकोटी और ये राम सेतु अच्छा ये राम सेतु ये बताए राम सेतु धनुषकोटी और विभीषण मंदिर हमें लेके जाएंगे। ठीक है तो चलो भैया करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों मैं एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पर आपको दो सागर मिल जाते हैं। मेरे इस हाथ पर जो है ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है और इसका पानी का रंग दे सकते हैं किस तरह का है थोड़ा ब्राउन ब्राउन है। ठीक है और इस तरफ हिंद महासागर है जिसका कलर थोड़ा चेंज है ना भैया ये ब्लू कलर का है जो हिंद महासागर है वो ब्लू कलर का है और बंगाल की खाड़ी का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन कलर है। मैं बिल्कुल बीच में हूँ ये दो मेरे जो इस हाथ पे यानी कि हिंद महासागर और इस हाथ पे जो है बंगाली खाड़ी बहुत ही सुंदर। और ये भैया जगह कौन सी पड़ती है जगह कौन सा है अरिचल मोने संगम आगे संगम होता है इनका ना आगे संगम होता है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है दो समुद्रों के बीच में हम खड़े हुए और यहाँ से धनुषकोटी कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर यहाँ तक 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर है और यहाँ से राम सेतु कितना किलोमीटर है 3 किलोमीटर भैया हम राम सेतु के बिल्कुल 3 किलोमीटर पहले राम सेतु में मिलन संगम होता होगा इनका ना जमीन मालूम पड़ेगा। अच्छा 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 तो भैया ये भी एक बहुत सुंदर जगह है ये आप देख सकते हैं मुझे तो काफी मेरा ड्रोन कैमरा नहीं है नहीं तो आपको दिखाता दोनों का ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाई हम जहाँ खड़े हैं ये राम सेतु शुरुआत होती है यहाँ पे। ठीक है संगम बोलते ना भैया इसको ये संगम है। ठीक है ये दोनों जो समुद्र मैंने आपको दिखाया था ये पीछे आगे जाके मिल जाता है। ठीक है इधर बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर और जो भगवान श्री राम ने जो मनाया था वो इधर से बनाया था ना पुल तो भगवान श्री राम ने जो यानी कि जो पुल बनाया था वो इधर से ही बनाया था। ठीक है जो श्रीलंका की तरफ जाता है। तो भैया यहाँ से जो रामेश्वरम का जो है जो भगवान श्री राम ने जो बनाया था वो कहाँ पर है वो सामने जो यहाँ से जा रहा है। अच्छा अगर वो जो टापू है वो क्या है क्या है राम सेतु पॉइंट है वो भैया वहाँ पे एक टापू है। ठीक है वो राम सेतु पॉइंट है वहाँ तक जाना हो तो भैया कैसे जाए पूरा समुद्र जाना नहीं चाहिए भाई लास्ट यहाँ तक है। ठीक है तो यानी कि यहाँ से श्रीलंका की तरफ रास्ता जा रहा है इधर से 18 किलोमीटर श्रीलंका 4 किलोमीटर श्रीलंका है 18 किलोमीटर और भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था 18 किलोमीटर का बनाया था श्रीलंका का अच्छा पूरा श्रीलंका का। चलो ठीक है भाई इस तरह ये देखो यहाँ से भैया बता रहे हैं वहाँ पे बीच में टापू भी दिख रहा है। ठीक है तो ये हिंद महासागर और ये बंगाली खाड़ी काफी सुंदर ये दृश्य है। तो भैया हम आ चुके धनुषकोटी आप देख सकते हैं धनुषकोटी में हम प्रवेश कर चुके। ये एक ऐसा शहर था यानी कि अब तो शहर नहीं है ये किसी टाइम पे बहुत यानी माना वाना शहर था। यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन भी मिल जाता पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता ये रामेश्वरम के पास पड़ता है। ठीक है धनुषकोटी तो अब ये 1964 के अंदर ये शहर बर्बाद हो गया बिल्कुल। ठीक है यहाँ पे जैसे सुनामी टाइप का कुछ आया था। ठीक है तो यानी कि सब कुछ बहा के ले गया ये देखो सामने देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन था। ठीक है तो यहाँ ये
ऐसे बहुत से घर थे, यानी बसावट बहुत सारी थी यहाँ पे। तो 1964 के अंदर ये शहर ख़त्म हो गया बिल्कुल, और कई हज़ारों आदमी यानी इसके अंदर मर गए थे यार। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे मछुआरे रहते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, देखो बोर्ड लगा रखा है रेलवे स्टेशन का आज भी। ठीक है भैया जी, क्या हुआ था यहाँ पे ऐसा? क्या आया था, सुनामी टाइप आया था? 1964 यानी कि समुद्र का पूरा पानी यहाँ पे आ गया है। अच्छा, अब देखो इसमें ना बिल्कुल दर्शाया गया है, देखो ये जो ना बिफोर देखो आफ्टर दिखाया गया है 1900 यानी कि इसमें ये क्या था और फिर उसके बाद क्या हो गया। ठीक है, बहुत यहाँ पे यानी बर्बाद हो गया पूरा ये शहर। ठीक है, यहाँ पे रेलवे भी था देखो। ठीक है, इस तरह ये देखो इसमें सब कुछ दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये राम सेतु का दिखाया गया कि राम सेतु किस तरह बना था। ठीक है, ये देखो ये उस समय की फ़ोटो हैं जिस समय ये घटना हुई थी। ठीक है, ये देखो आपको देखो बहुत बुरा हाल हो गया था यहाँ पे यार, कई हज़ारों आदमी यहाँ पे मारे गए थे। और ये बहुत अच्छा शहर था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन व्रेन में जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रेलवे स्टेशन है। देखो यार ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये पूरा शहर बर्बाद हो गया, यहाँ पर अब केवल मछुआरे रहते हैं। ठीक है, जो कि अब मछली पकड़ते हैं और अपना व्यापार करते हैं। तो भाई मैं धनुषकोडी हूँ, आपको यहाँ पे कुआं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरह का कुआं है। ठीक है, और भैया अभी पानी भी निकालेंगे, तो पानी निकाला भैया ने अभी। भैया ये कुआं है? हाँ। अच्छा, पानी मीठा पानी मिलेगा आपको? मीठा पानी आया। अच्छा भाई, ये मीठा पानी है, आप देख सकते हैं। और ये देखो कुआं कितना छोटा, भैया कितना गहरा कुआं है? थोड़ा 10 फीट का। बस 10 फीट का है, पानी खत्म नहीं होता इसके अंदर? अच्छा, तो भाई ये 10 फीट का कुआं है और पानी खत्म नहीं होता इसमें। ठीक है, ये पानी कहाँ से आता भैया? ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक है, तो भैया कोई यानी कि कोई मोटर नहीं लगा रखी, ये ऑटोमेटिक ही पानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और पानी पीने। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लगा यार ये छोटा सा कुआ। ठीक है, और इसमें पानी नहीं खत्म होगा। ठीक है, ये देखो और 10 फुटा कुआ है। ठीक है, और ये मैं धनुषकोडी में ही खड़ा हूँ। तो भाई मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ भगवान श्री राम ने राज तिलक किया था विभीषण का। तो भैया इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम है कोदंडाराम टेम्पल। अच्छा, और यहाँ भगवान श्री राम ने राज तिलक किया था विभीषण का? विभीषण का राज अभिषेक बनाने, राज अभिषेक यानी राजा बनने के लिए यहाँ पे उनका राज अभिषेक किया था। ठीक है, और ये वो मंदिर है। ठीक है, लोग इसको विभीषण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, पर यहाँ पे पूजा भगवान श्री राम की होती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने उनको वचन दिया था कि आपको राजा बनाएंगे श्रीलंका का, और राज अभिषेक यहीं की हुआ था। तो भैया ये मंदिर में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से भगवान देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको नारियल मिल जाएंगे, पीछे के बहुत सारे नारियल ही नारियल रखे हैं भाई। ठीक है, और इसके पीछे समुंदर, वाह भाई नज़ारा बहुत सुंदर है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये लिखा है यार, इसमें याद ही लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आती, इंग्लिश तो फिर भी समझ आ जाती है, तो ये जो ऊपर लिखा है ये थोड़ा समझने में असमर्थ है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है, जहाँ अभिषेक किया था, राज अभिषेक किया था विभीषण जी का। ठीक है, इधर चलते हैं। तो भाई अभी हम इस मंदिर में गए थे और दर्शन करके आए। यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति है, माता सीता यानी राम परिवार की मूर्ति है, और उसके साथ साथ यहाँ पर विभीषण जी की भी एक मूर्ति है, जिसमें यानी उन्होंने पगड़ी पहन रखी है, यानी कि एक बताया जा रहा है, दर्शाया गया है कि यहाँ पर उनका राज तिलक किया जा रहा है। और बता रहे हैं कि यहाँ पर राज तिलक ना 2 बार हुआ था, एक बार भगवान श्री राम ने यहाँ किया था, उसके बाद श्रीलंका में उनका राज तिलक किया गया था। तो भाई यहाँ पर नारियल पानी वाले भाई बैठे हैं मंदिर के बिल्कुल बाहर। ठीक है, विभीषण मंदिर के बाहर नारियल पानी बैठे हैं, यहाँ पता करते हैं नारियल कितने का दे रहे हैं। तो भैया से पीने की इच्छा है, हमारे पिताजी ही पी रहे हैं। भैया कितने दे रहे नारियल पानी को? 50-60। पानी नहीं है? पानी मिलेगा, पी लो, पानी भाई इसमें पानी नहीं है भाई, 50 रुपए का ले लिए और इसमें पानी ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, अभी भी खोला भाई। ठीक है, पानी नहीं है इसके अंदर बहुत। तो भाई ये भाई थोड़ा नाराज हो गया था। ठीक है, भाई से बात करेंगे, झूठ नहीं बोल रहा। तो भाई अब ये भाई हमारे लिए कितना, अरे वाह भाई काट दिया भाई ने, अरे वाह कितने दोगे भैया? 50 रुपए ना? अरे वाह भाई का, अरे भाई पानी है भाई, पानी है भाई, पानी है भाई, देख रहे हो वाकई पानी। अब वो दो पाइप तो दो। ठीक है, ये भैया ने 50 का दिया, उसमें भाई पानी बहुत है। ठीक है, और पहले क्या बोला, शक्ति, पानी नहीं शक्ति, बोला, शक्ति भाई ने, नाम शक्ति है ना आपका? शक्ति भाई है भाई, शक्ति वेल, क्या शक्ति वेल, शक्ति वेल। तो भाई यहाँ हमने लिए है एक नारियल जो कि 50 रुपए पड़ा, और पीछे आप देखते हैं नारियल की बहुत बड़ी इसकी लंबी चौड़ी दुकान है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ।
तो भैया ये एक पत्थर है जो कि भगवान श्री राम वाला पत्थर बताया जाता है, जो पानी में नहीं डूबता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक भैया है जो कि पत्थर दिखाते हैं, तो इनका पत्थर देखते हैं। इनका दावा है कि ये वही पत्थर है जो कि राम सेतु पुल में जो निर्माण किया गया पत्थर, वही है ना भैया, वही पत्थर ना। और 20 रुपए का एक एंट्री है, ठीक है भैया जी। तीन आदमी, ठीक है। ये देखो वो पत्थर है, ठीक है। तो चलते हैं, आ जाओ। तो भाई ये थी रामेश्वरम की संपूर्ण यात्रा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।